अभी फिक्र मत करो, अभी हिचकी बंद हो जाएगा। चाचा जी को थोड़ा पानी पिला। चाचा जी कुछ नहीं करेंगे भाई। असल में चाचा जी को हमने थोड़ा थोड़ा करके बहुत पानी पिला दिया, लेकिन उनकी हिचकी बंद नहीं हुई, उल्टी बाथरूम जाने की प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसलिए चाचा जी पानी का नाम सुनते ही थोड़ा भड़क रहे। पानी? नहीं नहीं बाबूजी, नहीं 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 नहीं, बस शांति शांति शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप उधर देखिए, चल आइए आइए, मत आइए, आइए आइए, चिंता मत कीजिए, आइए। अरे भाई, हिचकी रोकने के लिए पानी के अलावा और कोई इलाज हो तो वो बताइए ना। आज आपका साइनिस होने की परीक्षा है अय्यर भाई। देखो जेठालाल, साइंटिस्ट होने के नाते मेरे को सिर्फ इतना ही मालूम है कि हिचकी का कोई इलाज नहीं है। ये ऑटोमेटिक आता है और ऑटोमेटिक जाता है, कभी कभी एक घंटे में जाता है तो कभी कभी पांच घंटे में भी जाता है, तो कभी कभी कुछ दिन भी लग जाते हैं। कुछ दिन? आपको यहाँ मदद करने के लिए बुलाया है और आप खुल्लम खुल्ला बापूजी को डरा रहे हैं। बबीता जी, अय्यर। बबीता, मैं तो हिचकी का सच्चाई बता रहा था। अरे भाई, हिचकी क्यों आती है, कब आती है, कैसे आती है, उसका विगतवार भाषण मेहता साहब दे चुके हैं। अच्छा हाँ, इसलिए अय्यर भाई आपके पास हिचकी बंद करने का कोई और इलाज हो तो वो बताइए प्लीज। ठीक है, अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि अब तक आप लोगों ने कौन कौन सा आइडिया ट्राई किया है। देखिए, सबसे पहले बापूजी को पानी पिला चुके हैं, प्लास्टिक की थैली में फूक मार मार के फूकवाया है, सहज चटाया है, चिमटी काटी है और उल्टी गिनती करवाई है। अच्छा, फिर भी इसकी बंद नहीं हुआ? नहीं। चाचा जी पर एक्यूप्रेशर ट्राई करना चाहिए। आई थिंक एक्यूप्रेशर से चाचा जी का हिचकी बंद हो सकता है। हाँ, वी कैन ट्राई दैट। कैसे कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। क्या करते हैं, चाचा जी की हथेली पर ऐसे अंगूठे से ऐसा प्रेस करते हैं, जिससे उनके नर्व सिस्टम पर प्रेशर आएगा और चाचा जी का ध्यान प्रेशर पर डाइवर्ट हो जाएगा और हिचकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ओहो, अय्यर भाई जमुना के डाबा। मतलब कौन से हाथ पे प्रेशर देना है? जमुना के डाबा। कोई भी हाथ पे चलेगा। अच्छा, और कौन से हाथ से प्रेशर देना है? जमुना के डाबा। कोई भी हाथ से दे सकते हैं। बापूजी, ये इलाज भी आजमा के देखे जरा। हाँ बापूजी, हाँ बोल रहे, कीजिए। नहीं नहीं जेठालाल, मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट नाउ आई एम अंडर प्रेशर। तो मैं तो सब। हाँ तुम करो। अरे आराम से। इधर बीच में ना। हाँ जेठा, शाबाश।
डेसिबल ऐसे दबाओ दबाओ। बापूजी सॉरी अय्यर भाई बोल रहे, थोड़ा जोर से दबाना पड़ेगा। जेठालाल मैं प्रेशर दूं? अरन नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे हिचकी शुरू हो गई तो टप्पू के पापा, इससे पहले कि हिचकी आपके अंदर घुसकर अपना घर बना ले, घुटना घुटना करके पानी पी लीजिए, हिचकी बंद हो जाएगी। नहीं बापूजी, कभी पानी प्रयोग आज में आया था ना, लेकिन बापूजी की हिचकी कहाँ बंद हुई? अरे वो भी तो आज में आया था। नहीं 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 जेठालाल, चाचा जी पे उल्टी गिनती वाला आइडिया आजमाया था। दया भाभी उल्टे नाम लेने का कह रही है, उल्टे नाम लो तो शायद उससे हिचकी बंद हो जाएगी। हाँ बोलो लल्ला ठाजे। जेठालाल का उल्टा लल्ला ठाजे, लल्ला ठाजे, लल्ला ठाजे, लल्ला ठाजे, लल्ला ठाजे, लल्ला ठाजे। ठीक है तो आप मेरा नाम बोलिए, दया यादव, 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 यादव। जेठालाल मेरा नाम ट्राई करो, फायर ब्रिगेड उठना तुम्हारा तो शायद ठीक हो जाए। अब मेहता साहब का उल्टा बहसा तहमे, बहसा तहमे, अटपटा है शायद हो जाएगा। बहसा तहमे, हाँ बहसा तहमे, बहसा तहमे, बहसा तहमे, बहसा तहमे, बहसा तहमे। अच्छा टप्पू के पापा तो ये बोलिए, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, क्या ड्रम, क्या पेटी? नहीं नहीं नहीं, ड्रम पेटी नहीं, ड्रम पेटी अर्थात टिपेंद्र, टिपेंद्र ड्रम पेटी। हाँ बराबर पापा बोलिए, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी, ड्रम पेटी। नहीं बंद तो रही है इचकी। जेठा भाई आपको कंबल वाला आइडिया ट्राई करना है? अंजलि तुम क्या सारे खानदान को कंबल उड़ाने पे तुली हुई हो? तो हम बाढ़ग्रस्त थोड़ी है। जेठा जी आपको एक बार मेरा नाम उल्टा बोल के देखना है। अरे हाँ वो तो रह गया। अच्छा तो बोलिए, ता बी ब, ता बी ब,
जी ताबीब। ओह हाउ स्वीट। ठीक है बोलिए। जी ताबीब, 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 बस 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 जनरल अभी ये जगह बंद हो गया ना? हाँ हो गया, जी ताबीब, जी ता ब। हाँ हाँ बाबूजी, बाबूजी कोशिश कीजिए। हाँ जीता ब, जीता ब। बोलिए बाबूजी बोलिए, बबीता जी का नाम लेते ही मेरी हिचकी बंद हो गई। जादू है आपका नाम है बबीता जी। बोलिए बाबूजी बोलिए। जीता ब। चाचा जी एक सांस में बोलिए, एक सांस में। जीता ब, जीता बी नहीं निकल रहा है वो। वो बी अंदर ही रह जा रहा है बापू जी, उसका बाहर निकलिए। जीता बी ब, जीता ब, बी बी अंदर जा रहा है बापू जी। जीता बी ब, जीता ब। कोशिश कीजिए बापू जी, हो जाएगी आपकी भी हिचकी ठीक हो जाएगी, मेरी हो गई वो पिताजी का नाम लेते ही। जीता ब, जीता ब, जीता ब, जीता। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बापूजी की हिचकी बंद कैसे कराए? तो हम लोग एक काम करें। क्या? हाँ बोलिए बोलिए बबीता जी। हम लोग चाचा जी को स्किपिंग करवाए। स्पीकिंग मतलब? स्पीकिंग नहीं दया भाभी, स्किपिंग मतलब। दया भाभी स्किपिंग मतलब वो दौड़ा कूद। अच्छा दौड़ा कूद, अरे बचपन में तो मैं बहुत दौड़ा कूद करती थी। लेकिन उससे बापूजी की हिचकी बंद हो जाएगी? हाँ उससे क्या है, ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगी और शायद चेंज ऑफ ब्रीदिंग की वजह से उनकी हिचकी रुक जाए। यस दया पॉइंट। वाह वाह बबीता जी क्या आइडिया निकाला है आपने। लेकिन दौड़ा कूदने की रस्सी इस वक्त कहाँ मिलेगी? पापा मेरे पास है। अरे बेटा तो बैठा क्या, जा लेके आने के लिए। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। लेकिन जेठालाल चाचा जी क्या रस्सी कूद पाएंगे? अरे हाँ ये तो सोचा ही नहीं। बापूजी आप रस्सी कूद पाएंगे? एक तो मैं बेरा नहीं हूँ, दूसरे बात कर, और दूसरा मैं तेरे जितना मोटा भी नहीं हूँ। मैं कूद सकता हूँ, मैं कूदू। वाह पापा ये लीजिए। ये भाई बाजू रही है ना भाई। अरे वाह बाबूजी आ गई, रस्सी आ गई। एक काम करते हैं मेहता साहब, एक तरफ से आप पकड़ना, एक तरफ से मैं पकड़ूंगा, ठीक है? और बापूजी मैं एक दो तीन बोलूं ना, उसके बाद ही आप ठेकड़ा मारना, ठीक है? आप तैयार है? आइए मेहता साहब ये लीजिए। आइए बाबूजी आइए, एक मिनट। हाँ आइए बाबू संभाल के आइए आराम से। बाबूजी तैयार? मेहता सब तैयार? बिल्कुल तैयार। हाँ मैं भी तैयार हूँ बापू जी, आप तैयार है? हाँ आप लोग? हम भी तैयार हैं देखने के लिए। अच्छा अच्छा चाचा जी ऑल द बेस्ट। एक दो तीन। अरे संभल के आराम से। हाँ बापू जी आपको लगा तो नहीं? सॉरी बापूजी सॉरी सर, अभी भी इसकी बंद नहीं हो रही है। देखो टपू शायद इससे बंद हो जाएगा,
पक्का? हाँ पक्का, ऐसा लगता है। ओके ओके। एक दो तीन। देखिए चाचा जी का हिचकी बंद नहीं हो रहा है, मेरे को तो लगता है चाचा जी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। बापूजी, बापूजी, अरे बापूजी संभाले, संभाले, बापूजी। नहीं, कोई आपको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा, कोई बापूजी को हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। अरे पर मुझे क्यों बोल रहे हो जेठालाल, मैंने कब बोला हॉस्पिटल ले जाने का, वो तो अय्यर बोल रहा था। अरे हाँ बबीता जी। अय्यर सॉरी बापूजी, अय्यर भाई गए, आइए दौड़ा कुत्ते, आइए आइए। अरे नहीं कुत्ता, मुझे कोई दौड़ा बोल रहा। ठीक ठीक जेठालाल, हाथी भाई शायद अब तक हॉस्पिटल से लौट आए होंगे, हम जरा फोन करके पता करें कि वो कुछ दवाई वगैरह बता दें अगर तो। हाँ प्लीज प्लीज। मैं कोमल भाभी को फोन करके पूछती हूँ। हेलो कोमल भाभी, मैं दया बोल रही हूँ, हाथी भाई हॉस्पिटल से आ गए? नहीं दया भाभी, हंस अभी तक हॉस्पिटल से आए नहीं है और अपना फोन भी वो घर पर भूल गए। दया भाभी, चाचा जी की हिचकी अभी तक रुकी नहीं क्या? नहीं कोमल भाभी, बापू जी की हिचकी अब बंद ही नहीं हो रही है। दया भाभी आपको कोई मदद चाहिए तो मैं आऊं? अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर नेता साहब, अंजलि भाभी, बबीता जी सब लोग हैं। बस जैसे ही हाथी भाई हॉस्पिटल से आए आप तुरंत हमारा घर पर भेज देंगे। जरूर जरूर कहूंगी दया भाभी, डोंट वरी। थैंक यू। ओके बाय। अभी क्या करें मेहता साहब? अब थोड़ी शांति रखो जेठालाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो हमसे जितना बन पड़ता था हमने किया, इतने प्रयोग कर सकते थे, सारे आजमा लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से चाचा जी को थोड़ी देर सोने की कोशिश करनी चाहिए। हा? चाचा जी आप थोड़ा लेटिए, आराम मिलेगा। हा? थोड़ा आराम कीजिए बापू जी। आइए बापू जी, आराम से लेटिए। दया भाभी कंबल लाओ। अरे नहीं चाहिए मुझे कंबल। मेहता साहब, अंजलि क्या कर रही हो तुम, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्यों कंबल उड़ाने की बात करती हो तुम? तुम्हें मालूम है ना कंबल के नाम से चाचा जी को तकलीफ होती है, चुप रहो ना थोड़ी देर। कंबल? नहीं नहीं तारक, मैं हिचकी के इलाज के लिए कंबल नहीं मंगवा रही हूँ, चाचा जी लेटे हैं तो कंबल ओढ़ के लेटे इसलिए। अरे नहीं ओढ़ना मुझे कोई कंबल, कंबल ओढ़ने से मैं भीग जाता हूँ। हाँ दादाजी आइए 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 आराम से, मैं बिना कंबल के भी सो सकता हूँ अंजलि बेटा। ओके। हाँ इसलिए आप कंबल का नाम लेने की जरूरत नहीं है अंजलि। हाँ लेटिए बाबू जी, लेटिए। आइए मैं आपके पैर दबा देता हूँ। आइए बाबू, आइए सो जाइए, लेट जाइए। जीतिया? हाँ बापू जी। हाँ तू यही है ना? हाँ बापू जी मैं यही हूँ, मेहता साहब यही है। अंजलि भाभी सबको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप चाहिए तो घर जा सकते हैं, आराम कीजिए। जीठा भाई मेरी चिंता छोड़िए, जब तक चाचा जी ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं पे हूँ। सुना बापू जी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते सब यही है। हाँ बापूजी हैं।
जीवन में खुशी और आनंद हो तो एक वर्ष भी एक पल की तरह लगता है, लेकिन अगर परेशानी हो तो एक पल भी एक वर्ष की तरह लगता है। और यही हुआ है इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में। चंपक चाचा की हिचकियां बमुश्किल 3 घंटे से चल रही है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे 30 घंटे निकल गए हो। बड़े परेशान है चंपक चाचा, और परेशान तो हम लोग भी हैं कि करें तो करें क्या। इस महाहिचकी ने सबको परेशान कर दिया, टेंशन में डाल दिया, और उससे बड़ा टेंशन अय्यर ने यह जानकारी देकर कर दिया है कि भाई हिचकी रुकने का कोई भरोसा नहीं है, रुक जाए तो 1 घंटे में, न रुके तो 8-10 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो गोकुलधाम में हंगामा हो जाएगा। लेकिन ये गोकुलधाम है साहब, यहाँ पड़ोसी एक दूसरे के काम आते हैं, और इस वक्त हम सभी यहाँ पे जेठालाल के घर में हैं, और सारे पड़ोसी मिलके जरूर कल तक तो चंपक चाचा की हिचकी रोक ही देंगे। हिचकी रोकने का काम हम करेंगे, हंसी रोकने का काम आपसे संभलेगा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।